हेलो फ्रेंड्स, सिलास फूडशाला में आपका स्वागत है। मैं बनाऊंगी वाटर मिलन के पॉपसिकल्स। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं। मेरा ये वाटर मिलन थोड़ा सा व्हाइट निकला है तो मैंने सोचा इसे फेंक के कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसे पॉपसिकल्स बनाना बताऊंगी। कोई भी फ्राई पैन या कढ़ाई ले, इसमें वाटर मिलन डाल देंगे और 4 टीस्पून शक्कर डालेंगे और इसे गैस पे बॉईल करेंगे। गैस ऑन कर देंगे और इसे चला लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि वाटर मिलन में इतना पानी रहता है कि शक्कर और वाटर मिलन जब हम गैस पे बॉईल करेंगे तो वाटर मिलन में जो पानी है वो अपने आप ही निकल जाएगा। इस तरह से कट भी कर सकते हैं आप। शक्कर का पानी बन रहा है, ये देखा, हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। वाटर मिलन में जो भी पानी है वो अपने आप से निकल रहा है। कोई भी मेसर लेके इसे प्रेस कर दे इस तरह से, या फिर ठंडा होने के बाद इसे हाथ से भी आप प्रेस कर सकते हैं। मैं गरम गरम में ही प्रेस कर रही हूँ। इसमें भी हम कलर और कुछ भी नहीं डालेंगे। ये लाइट ऑरेंज कलर का कलर आया है। शक्कर गलने के बाद 1 या 2 मिनट इसे पकाएं। इसमें भी 2 या 3 ड्रॉप नींबू डालूंगी। इससे हमारे वाटर मिलन के पॉपसिकल का टेस्ट अच्छा आएगा। ये ऑफ कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसमें भी डालेंगे थोड़े से चिया सीड्स, बारीक चॉप किए हुए वाटरमिलन। वाटरमिलन का जूस मैंने छान लिया था। देखिए देखने में कितना कलर सुंदर आया है। इसे 7 से 8 घंटा फ्रीजर में रख देंगे। 7 घंटे हो चुके हैं, हमारी पॉप्सिकल अच्छे से जम चुकी है। ये अब सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए दिखने में कितनी सुंदर दिख रही है पॉप्सिकल। आपकी वाटरमेलन पॉप्सिकल कैसी बनी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।